दोपहर में नहीं जाते हैं, फांकी मार दी बोले लग जाओ उससे माइक नहीं जाता। यहाँ से कितना बजे जाएंगे? 7 बजे ठीक। हाँ 7 बजे जी, 7 बजे चल जाए ठीक है। अरे वो बच्चा कहाँ गया? कुशाग्र कहाँ है? पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधा गोविंद देव जी के चरण साष्टांग प्रणाम हेतु कृपा वंश करता हूँ। उपस्थित सभी गुरु राधा गोविंद वैष्णव वैष्णवी भक्त तो एक दिन पहले हमने श्रवण किया था कि नहीं कल से एक दिन पहले हमने श्रवण किया था कि जिस समय भगवान क्या करते हैं ना वो छोटे जाके रुक नहीं रही तो हमने श्रवण किया था कि जिस समय पे क्या बस ना स्वयं भगवान क्या करते हैं देव की माता के गर्भ में आते हैं उसी समय पे जो देवता लोग उनके कारागार में प्रकट होकर होकर उनको स्तुति करते हैं। फिर अभी भगवान कर्म हमने गुरुदेव से श्रवण किया था कि भगवान अभी कल हमने श्रवण किया था कि गुरुदेव बताते हैं कि जो किस किस प्रकार से जो प्राकृतिक भाव में ठाकुर जी का सब सेवा करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव बता रहे थे कि जमुना जी क्या हुआ ना कल नाश से बड़े आनंदित होकर उछलने लगते हैं। क्यों उछलने लगते हैं? क्योंकि ये कृष्ण प्रेयसी है, ये कृष्ण की कौन ना पटरानी है। ये सोचने लगे कि अभी ठाकुर जी आएंगे अभी मुझे क्या करेंगे या मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे साक्षात रूप में। ये तो नित्य धाम में पत्नी ही है लेकिन इस जगत पे क्या करेंगे ना जमुना जी जब आते हैं सबसे पहले यहाँ पे भीष्म चक्रवर्ती ठाकुर एक टीका पे बता रहे थे कि जिस समय पे राधा रानी बोलती है कि जिस जगह पे वृंदावन नहीं है जिस जगह पे ना गोवर्धन नहीं है जिस जगह पे जमुना नहीं है उस जगह पे मैं नहीं जाऊंगा तो क्या किया ना कृष्ण ने क्या किया ना गिरिधार गिरिराज जी को जमुना जी को आने से पहले ही उसी जगह पे क्या करते हैं प्रकटित कर देते हैं वृंदावन। तो ये जमुना कब से पता नहीं कृष्ण का इंतजार में है कि अभी ठाकुर जी तो आने वाले हैं अभी मुझे उनका चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसलिए इतना आनंदित होकर क्या करें बहुत सुंदर रूप में उच्छलित हो जाते हैं। जैसे नदी का स्वरूप स्वाभाविक आनंदित कैसे पता चलता है? एक नदी सूखा हुआ होगा तब पता चलेगा क्या? जब नदी पूरा भरपूर होकर पूरा उसको तरंग जो लहरी वो उछलता रहेगा। अब इतने में जमुना जी को जो उछलता हुए देखे जो दूसरे नदी लोग वो भी क्या करे ना और भी बहुत आनंदित हो गए। क्यों आनंदित हुए? यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण कौन है कि जमुना जी की उनके पटरानी है कृष्ण के पटरानी साक्षात जमुना जी है। ये सारे के सारे नदी
यमुना जी को बड़ी बहन मानती है। अब ये सोच रहे हैं कि अभी हमारे कौन आएंगे, हम इनके क्या हो जाएंगे, अब ताली बन जाएंगे। तो इसी इसी ख्याल से क्या कर रहे हैं ना, वो लोग भी आनंदित हो रहे हैं। अब यमुना नदी ऐसे करके नदी लोग आनंदित हो रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कमल है, जो कमल फूल, ये रात में क्या हुआ, न खिल गया। अब जो कमल फूल होता है वो किस समय, किस समय पे खुलता है, सूरज निकलने के बाद, सूरज में ही खुलता है, और शाम में क्या होता है ना, बंद हो जाता है। तो ये कमल फूल क्या हुआ ना, रात में खिल गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये रात में कैसे कमल फूल खिल गया, इसका दो कारण बता रहे हैं कि रात में कैसे खुल गया, कि जिस समय भगवान आने वाले थे और रात में भी दिन का प्रकाशित हो गया, रात में भी क्या हुआ ना, दिन का प्रकाशित हो गया। अब यहाँ पे कमल फूल सोचने लगा है मेरे में से क्या होगा, चंद्रमा में पहला कारण ये है चंद्रमा में, क्योंकि कृष्ण चंद्रमा से आ रहे हैं। चंद्रमा आज इतने प्रसन्न हो गए, चंद्रमा वो इतना प्रकाश उससे आ रहा था, कमल को ये भान हो गया, भूल गया ये तो चंद्रमा नहीं, तो सूरज तो नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे कमल के साथ भगवान को तुलना किया गया है। कुंती माता ने स्तुति किया, नव पंकज नव है, तो भगवान के प्रत्येक अंग अंग जो है वो कमल के साथ तुलना किया गया है, इसीलिए किया गया कमल खिल गया। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि साक्षात भगवान पूर्ण चंद्र के रूप में साक्षात भगवान प्रकट होने वाले। अब इनके जो तेज थे, जो पूर्ण भी क्या हुआ, जो सूर्य चंद्र था, वो चंद्र भी पूरा बहुत खिलने लगा। और उस समय क्या हुआ, ये भगवान किस समय पे प्रकट हुए कि भाद्रों के महीने के अष्टमी के दिन पे। तो उस समय जब चंद्रमा खिल गया तो ये जो कमल फूल था उसको भ्रमित हो गया कि अभी काहे चाहे ये दिन ना हो गया। तो इसी भ्रमित से वो क्या हुआ, वो कमल फूल खिल गया। और दूसरे में बता रहे हैं कि जो मयूर पीक आदि सुख जो जितने भी पक्षी लोग थे वो क्या करने लगे ना, उजन करने लगे, राव करने लगे, मयूर के का करके, और कोयली जो था गु गु करके राव करने लगे। अब ये किस समय पे राव करते हैं, एक सुबह सुबह राव करते हैं या दिन में राव करते हैं, ये रात को तो सो ही जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये किस क्यों राव कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि ना इनको भी लगा कि जैसे बसंत ऋतु, इसमें क्या हुआ ना, पूरा बसंत ऋतु में ये क्या करते हैं, विशेष रूप में राग करते हैं। तो ठाकुर जी अभी आने वाले हैं, तो ठाकुर जी कृष्ण आने के वाले थे, सारे के सारे ऋतु वहां पे सेवा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए प्रकट हो गए। तो जो बसंत ऋतु भी वहां पे प्रकट हो गए, तो ये सोचने लगे कि अभी बसंत ऋतु शायद आ गया होगा, तो इसीलिए भी ये क्या किया ना, पूजन करने लगे। अब यहाँ पे और बता रहे हैं कि जो कंस के अत्याचार से कंस ने क्या किया था ना, सब यज्ञों को बंद कर दिया था, जितने भी सारे के सारे यज्ञों को बंद करके जितने साधु संत को जेल में भर्ती कर दिया था। अब इस समय अभी भगवान के जो संत साधु संत है वो कहाँ पे है ना, जेल पे है। तो यहाँ पे वो साधु संत ने, वो संत लोग ने सोचने लगे कि अभी शायद भगवान आने वाले, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप में तो साक्षात भगवान आ रहे हैं, तो स्वाभाविक उनके हृदय में ऐसा स्फूर्ति हुआ, पूरा अद्भुत जैसा आनंद उनके हृदय में स्फूर्ति हुआ। तब ये सोचने की साक्षात भगवान आने वाले, ये कंस अब क्या करेगा हमारा। तब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रुद्र करतार लेके कीर्तन करना शुरू कर दिया, और मन ही मन क्या किया, यज्ञ करने के लिए उसी जगह पे क्या किया ना, ध्यान किया। तो उस समय तुरंत ही वहां पे आग जलने लगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यज्ञ धर्म है वो कौन सा युग का धर्म है, बोल रहे हैं द्वितीय अध्याय के विष्णु त्रेतायन यजतम के, ये चार युग में जो चार प्रकार का साधन बताया गया है, उसमें जो त्रेता युग में यज्ञ का साधन बताया गया, त्रेता युग में यज्ञ होता था, त्रेता युग में स्वाभाविक रूप में आग लग जाता था, जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि त्रेता युग मान लो द्वापर युग में ही प्रकट हो गया, ये यज्ञ करने का जो वो किया गया ना, अभी कृष्ण जन्म लेने वाले, इसलिए यहाँ पे प्रकट हो गया। अब इन्होंने बड़े सुंदर से भगवान का आनंदित होकर उस यज्ञ को संपादन किया। अब यहाँ पे जितने भी गंधर्व लोग थे, जितने भी स्वर्ग में जितने भी देवता देव देवी लोग थे, वो सब क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। जब यहाँ पे श्लोक बताया था गुरुदेव ने कि जगु किन्नर व गंधर्व सुष्टुंगम सिद्धचारण विद्याधनश्च नृतुरम वरोभि समं तदा,
कि यहाँ पे क्या किया ना, जितने भी किन्नर लोग थे, जितने भी नाग यक्ष जितने भी देवता, सब क्या करने लगे भगवान को, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो इनके हृदय में भी आनंदित हो गया। पहले हमने गुरुदेव से श्रवण किया था कि चार लोग विशेष करके बारिश होने से प्रसन्न होते हैं। एक फोन में से आया था कि दग्धा नल में फंसे हुए हाथी भी, तो ये दग्धा नल में जो हाथी हुए ये कौन है, ये देवता के शत्रु थे। तो देवता भी सोचने लगे कि ये कंस के अत्याचार से हमको ठाकुर जी रक्षा करेंगे, इसलिए इन्होंने क्या करना करे पुष्प वृष्टि करने लगे और इन्होंने आगे बड़े सुंदर नृत्य करने लगे। अब इतने में जो चंद्रमा थे वो भी क्या के ना, चंद्रमा भी उस समय पे प्रकट हो गए। अब यहाँ पे एक उदाहरण देके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जिस समय देवता लोग प्रकट थे उस समय तो पूरा का पूरा क्या था ना, आकाश निर्मल था, तो वहां पे बारिश कैसे हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बस हर जगह पे बारिश नहीं हुआ, वहां पे हर ऋतु विद्यमान हो रहे थे, इसलिए बारिश का एक ही जस्ट मेघ का एक ही टुकड़ा वहां पे आके अपने सेवा करने के लिए बारिश होने लगा। अब जब चंद्रमा भी पूरा आनंदित हो रहे हैं कि क्योंकि भगवान राम सूर्यवंश में आए और कृष्ण चंद्रवंश में आने वाले, तो चंद्रमा पूरा भगवान से बहुत उत्फुल्लता के सहित क्या कर रहे हैं ना, स्वागत कर रहे हैं कब भगवान प्रकट होंगे। इतने में क्या हुआ, जो मेघ था जो काला मेघ वो क्या किया ना, चंद्रमा के सामने आ गया, एक खंड में आ गया। तो मेघ जब आ जाते हैं चंद्रमा क्या होते हैं, छिप जाते हैं। तो ये चंद्रमा और मेघ के बीच में गुरुदेव बता रहे थे कि लड़ाई हुआ। अब ये चंद्रमा बोल रहे हैं कि मेघ को बोलना है, ओ मेघ तुम इधर से हट जाओ, क्योंकि कृष्ण जो है भगवान जो है मेरे वंश में अवतार न होने वाले। अब मेघ बोलता है कि अरे तुम्हारे वंश में तो अवतार नहीं है, लेकिन सबसे मेरा रंग लेके मेघ सदृशम, एक स्तुति में है भगवान का, शांत कर रहे हैं उसमें भी है मेघ सदृशम, तो मेघ के रूप में भगवान उसके मेघ की जैसे ही भगवान क्या होते हैं ना, उनका शत्रु थे उनका रूप है, तो मेरे वर्ण को लेके भगवान क्या करेंगे प्रकट होंगे। तो इन लोगों का झगड़ा को देख के, इन लोगों का लड़ाई को देख के देवता लोग बोलने लगे अभी थोड़ी ना लड़ाई के वक्त है, अभी तो आनंद उत्सव करने के वक्त है। तब क्या हुआ ना, मैं को भी देवता लोग ने बोले कि तुम भी थोड़ा साइड होके अपना आनंद लो और चंद्रमा को भी थोड़ा दर्शन दे दो, क्योंकि ठाकुर जी भी आने वाले हैं। तब स्वयं ठाकुर जी क्या हुए ना, बता रहे हैं कि एक श्लोक में गुरुदेव बता रहे हैं कि निगिते तमो उद्भूते जायमाने जनार्दनम देवक्यम देवरूपिणम विष्णुं सर्वभूतस्यम अभिरासी तथा पंचम दिसिन्दुरं पुष्करम। इस श्लोक में गुरुदेव बता रहे हैं कि देव की माता के जो उस समय पे क्या हुआ, भगवान क्या करे ना चतुर्भुज रूप में वहां पे क्या करे ना प्रकट हो गए। तो यहाँ पे एक कारण गुरुदेव बता रहे थे कि भगवान कौन से महीने में आए ना, भाद्रव के महीने, और देवकी के कितने महीने हो रहा था वहां पे, अष्टम महीना हो रहा था। तो जब बच्चा कोई स्वाभाविक भाव से पैदा होता है तो कौन सा महीना होगा, नवम महीना में हो, नवम महीना में पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ ठाकुर जी पहले क्यों आ गए, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरुदेव एक कारण बताया जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि बता रहे हैं कि कंस को भगवान क्या करने भ्रमित करने के लिए पहले ही आ गए, अष्टम महीने में भगवान क्या के जन्म ले, क्योंकि भगवान के जो शरीर है वो अपराकृत है, जन्म कर्म क्षमय दिव्यम, भगवान का जो स्वाभाविक भाव में जो बच्चा पैदा होता है उसी रूप में भगवान नहीं आए, ये अष्टम महीने में चतुर्भुज रूप में भगवान क्या हुए ना, विशेष रूप में प्रकट हो गए। तो वहां पे एक श्लोक बता रहे कि तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवश्य लक्षम गलतोभित कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोदतोभवम। हां सो आप बता सकते हैं उसमें सारी पांच कारण बताया, तम अद्भुत बालकम, उनका बालक जो अद्भुत बालक, क्यों अद्भुत बालक है, सारी पांच कारण बताया था, कोई बता सकता हो, बता सकता हो, देखना बता सकता हो, बताओ तुम तीनों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बोलेगा, उड़िया हिंदी, अच्छा बताओ इसमें क्या क्या कारण है। ये पढ़ता है और नोट भी करता है, बोलता है, अच्छी बात है। कुशाग्र अभी रामायण भजन गाना, सीता की शादी की,
मैं थोड़ा कथा सुना दूंगा तुम। आज सीताराम की विवाह है, इसलिए आज वहाँ बढ़िया भजन गाए। आज बांके बिहारी भी प्रकट हुए। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानति विनाशाय से ज्ञानांजन चला गया। जब बोल एक साथ मिटते से नहीं एकदम। ओम अज्ञानति विनाशाय ज्ञानांजन चला गया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणिपात अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्रील रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा श्रीमन महाप्रभु समेत जय युक्त हो और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव ने जिस श्लोक के लिए बोला है वो श्लोक इस प्रकार से है। तम अद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुगायुगम श्रीवत्स लक्ष्मणम गल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांब पयोधि शोभनम। इसका साधारण है तम अद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम। तम अद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम, अद्भुत बालक प्रकट हुआ है। चतुर्भुजम सह चार हाथ लेकर के शशंक चक्रम अलग अलग हाथ में आयुध लेकर के प्रकट हुआ है। इसीलिए बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम चार हाथ और शंख गदायुदायुदम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्रीवत्स लक्ष्मणम श्रीवत्स की रेखा सुशोभित है। गलशोभि कौस्तुभम गले में कौस्तुभ की माला धारण कर रखी है और पीतांबरम सांब पयोधि शोभनम दिव्य पीतांबर सुशोभित हुआ है उनमें और पयोधि शोभनम उनको देख करके देवकी जी के पयोधि जो पयोधर है उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। इसमें कल गुरुदेव ने बताया था कि जब देवकी ने देखा वसुदेव के साथ कि लाला के जो नेत्र हैं और उनके नेत्र कमल को देख करके क्योंकि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे तो इसलिए उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गई। तो इस कारण से गुरुदेव ने चार कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है कि ये सोच रहे हैं देवकी वसुदेव अरे ये तो परमेश्वर हैं, साक्षात त्रिभुवन पति हैं और ये मेरे बेटे के रूप में आ गए हैं जिनमें चराचर विद्यमान है तो यह देख करके वे आश्चर्यचकित हो गए हैं। दूसरा कारण श्री गुरुदेव ने बताया कि कहा कि देवकी वसुदेव सोच रहे हैं कि हम लोग तो बद्ध अवस्था में हैं, हम लोग तो बद्ध अवस्था में हैं लेकिन फिर भी हमारे बिना संयोग से जो है श्री भगवान प्रकट हो गए ये भी आश्चर्य की बात है। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि ये भगवान जो घटघटवासी होते हुए भी ये कैसे पधार गए मेरे गर्भ में ये सोच करके देवकी और वसुदेव जी जो है वो क्या कहते हैं वो आश्चर्यचकित हो गए। जब ते हरि गर्भ में आए जब से श्री भगवान गर्भ में आए आनंद मंगल मोद सुहाए अन्य अन्य प्रकार के अलग अलग आनंद मंगल हो रहा है तो ये सब देख करके जो है वे अतिशय आश्चर्यचकित हो गए हैं। अगला कारण बताया है कि ठाकुर जी जो है वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए ठीक है और अस्त्र शस्त्र कुंडल इत्यादियों के साथ जब श्री भगवान प्रकट हुए तो ये सोचे कि ये तो साधारण बालक हो ही नहीं सकते। इस कारण से ये तो समस्त और साधारण बालक है वो तो बिल्कुल ही साधारण तरीके से प्रकट होता है लेकिन ये तो विशेष शोभनम सांब पयोधि शोभनम चतुर्भुजम शंख गदायुदायुदम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलशोभिकोत्सुभम ये तो अन्य प्रकार के आयुधों के साथ और दिव्य अलंकार के साथ प्रकट हुए हैं इस कारण से ये मेरे बालक हैं। इस कारण से ये दोनों जो है वो अचंभित हो गए। और कारण बताया था कि ये साक्षात काल के भी महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम ये साक्षात कालों के भी काल हैं इसलिए जो ये हैं तो और ये कालों के महाकाल होते हुए भी ये जिनका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है क्योंकि आदि और अंत भगवान का
संभव नहीं है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया तम मत्वात्मजमप्यक्तम मर्तलिंग पदोक्षतम गोपी को उखले नाम बंद प्रकृति यथा जिनका न आदि है न अंत है ऐसे श्री भगवान हमारे बच्चे बच्चे बनकर के प्रकट हुए हैं। इस कारण से वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक आखिरी कारण जो बताया था वो बताया था एक तरफ से तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रखे हैं और एक तरफ से हमारे बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं, हमारे लाला बन करके आए हैं, तो ये कैसी विशेष माया है। तो ये देख करके जो है वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए देवकी वसुदेव सोच रहे कि साधारण बच्चा जन्म लेने पर तो उत्सव होता है पर हम लोग तो बद्धावस्था में उत्सव नहीं कर पाते। तो मन ही मन जो है श्री वसुदेव जी ने संकल्प किया 8,000 गऊओं को देने का। तो 10,000 गैया बताऊंगा, आपने 8 बोले, 10,000 सॉरी। तो वसुदेव जी ने संकल्प किया कि उत्सव तो हम मना नहीं सकते लेकिन भविष्य में जब हम लोग इस कारागार से जब मुक्त होंगे, जब इस आतप और तापित से मुक्त हो जाएंगे तब हम 10,000 गाय जो है परम शुद्ध विप्रो को जो है दान देंगे। क्योंकि दान भी दानेन सह उत्सव रूपेण, दान भी एक उत्सव का रूप है, इस कारण से उन्होंने कहा। और आगे जो है आगे गुरुदेव जो है वो आप बताएंगे। वांछा कल्प दुर्वृष्टि कृपा से गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सुदय श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सुदय श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव को यथाजु को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष दिन है, आज श्री बांके बिहारी जी का प्रकट दिन और आज श्री भगवान सीता राम का आज शादी का भी दिवस है। इसलिए वृंदावन में जो बांके बिहारी है उनको जो प्रकट किया श्री हरिदास, इसलिए हमारे संप्रदाय में भी श्री हरिदास ठाकुर जी है लेकिन ये हरिदास नहीं, कहते श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में एक हरिदास हुए हैं जिनकी दो चले थे बैजू बाबूरा और तानसेन। ये दोनों बड़े सुंदर राग रागिणी गाया करते थे, अद्भुत ऐसे राग गाते थे जो कि पेड़ में फूल खिल जाए, ऐसे राग गाते थे दिया अपने आप जल जाए, इतने सुंदर ये राग गाते थे। इसलिए कहते श्री निधुवन में ही ये वाक्य बिहारी निधुवन से ही प्रकट हुए श्री वाक्य बिहारी। इसलिए आप विशेष करके वाक्य बिहारी के मंदिर में देखना
झांकी का दर्शन होता है। कहते लगता है पूरा दुनिया में दो जगह में झांकी का दर्शन होता है, एक वहां के भी आएगी और एक कालना गोरदास पंडित जी के मंदिर में। क्यों यहाँ झांकी दर्शन क्यों होता है, कारण क्या है? बोले कारण है भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों का प्रेम में ठाकुर बहुत जल्दी वसीभूत हो जाते हैं। इसलिए कोई एक भक्त आया था और बांके बिहारी को सामने खड़े होकर के खूब रोया प्रेम से। ठाकुर तो प्रेम भी भूखे हैं, कोई प्रेम से अगर बुलाए ठाकुर जी बस प्रेम के पीछे पीछे ठाकुर जी भागते हैं। इसलिए क्या हुआ, सबर जो पुजारी लोग उठे ना, दरवाजा खोले, बांके बिहारी को शयन दिया था। देखे बांके बिहारी गई, बोले भैया ठाकुर जी कहाँ चले गए, रात को शयन दिया था। बोले शाम को कोई एक भक्त आकर खूब रो रहा था ठाकुर के सामने, हो ना हो ठाकुर जी को वही तो लेने गए। बोले ढूंढ देखा ठाकुर को सचमुच से बैलगाड़ी में बैठा कर ठाकुर जी को ले जा रहे। फिर उन्हें ठाकुर जी को वहां से ला करके तभी से ठाकुर जी को एक नजर से ठाकुर को दर्शन करने नहीं देते, क्योंकि हम बांके बिहारी लाल तो करना क्या, इतना सिंगार नजर तो है लग जाएगा। इसलिए कहते प्रेम कब होता है, जब एक दूसरे व्यक्ति को टकटक लगा करके ज्यादा समय तो को देखे ना, फिर तो प्रेम हो जाता है। इसलिए ठाकुर को फिर कोई नजर लगा करके कोई ले नहीं जाए, इसलिए क्या करते हैं झांकी दर्शन, मतलब एक साथ में ठाकुर को दर्शन करने नहीं देते हैं। इसलिए कालना में भी वहां पर श्री गौरदास पंडित है, गौरदास पंडित का वहां पर भी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वहां पर भी उनका एक शिष्य था जिनका नाम था हृदय चैतन्य, जिनका नाम था चैतन्य है, जिनका नाम था चैतन्य। गुरु जी अभी किसी बाहर काम में चले को रख कर गए, अभी महाप्रभु का जन्मतिथि आया तो जैसे जन्माष्टमी होता है, महाप्रभु का जन्मतिथि होता है, क्या करते हैं सारे भक्तों को बुला करके कीर्तन सत्संग उत्सव होता है। अभी शिष्य ने देखा गुरु जी तो अभी तक आए नहीं रहे, हो गया एक दो दिन का, बोले बाकी रह गया, अभी उत्सव के लिए कोई तो कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। इसलिए नियम है अगर ठाकुर जी की जैसे राधा अष्टमी आए जन्माष्टमी आए कोई अच्छा तिथि आए ना, नियम है ठाकुर जी के लिए अच्छे तरह से उनको श्रृंगार होनी चाहिए, नया कपड़ा होनी चाहिए, उनके लिए फूलों की सुंदर श्रृंगार हो, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर भोग लगे। जैसे हमारे बच्चे का कोई बर्थडे होता है, हम लोग बनाते ना बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, जो साधारण बच्चे के लिए हम इतना करते ठाकुर जी के लिए कितना नहीं करनी चाहिए हैं। इसलिए नियम है, उन्होंने देखा तो अभी तक कोई तो गुरु जी अभी तक आए ही नहीं, अभी क्या होगा। उनने क्या किया, सारे वैष्णव लोगों को बुला करके उन्होंने कीर्तन महोत्सव प्रारंभ कर दिया। जब गुरु जी आए बड़े धूमधाम से महोत्सव हो रहा है, इतने में गुरु तो बिगड़ गए, बोले बिना मेरे आदेश के तुमने ये सब उत्सव कैसे किया, मैंने आदेश दिया था ये सब उत्सव करने के लिए, तुमने आदेश कैसे दिया, निकल जाओ यहाँ से, बगैर मेरे आदेश से तुमने कैसे किया, उनको निकाल दिया। लेकिन गुरु जी का परिक्षा था, अभी उन्होंने चला गया जो गंगा किनारा, हम लोग गए थे ना मेरे साथ में गए होंगे, जिस दिन नाव में हम पार होते हैं वो गंगा किनारा में वहीं पर जा करके कीर्तन करना शुरू कर दिया, चला शुरू कर दिया। तो ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु मंदिर थे ना, मंदिर छोड़कर चले गए और वहीं पर उनको साथ में कीर्तन कर रहे हैं। उनको जो गुरु जी जो थे हैं गुरु, जब हृदय चैतन्य जब गुरु जी ने देखा तो उन्होंने दरवाजा खोल कर देखा, रात को दसाई नहीं दिया, सगर देखा ठाकुर नहीं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं। बोले ठाकुर जी गए कहाँ, ठाकुर जी गए कहाँ, लठिया लेकर ढूंढ रहे तुम गए कहाँ, क्योंकि ये जो थे ना कृष्ण लीला में ये भगवान ये सुबल सखा है, ये मित्र है सुबल सखा कृष्ण का, होता ना एक दोस्त को दोस्त के साथ में जैसे प्रीति है। बोले गए कहाँ, ढूंढ रहे लठिया लेकर गए, अभी तुमको मजा चखाऊंगा, तुम गए कहाँ, ढूंढते जब गंगा किनारे गए थे ना, देखा उनको जो चैतन्य हृदय है चैतन्य, वहीं पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हाथ उठा कर नृत्य कर रहे हैं और वहीं पर महोत्सव चल रहा है, वो दोनों भैया वहीं पर नाच रहे। अभी दोनों भैया जब देखा है गौरदास पंडित लठिया लेकर आ रहे, हाथ में छड़ी लेकर के, बोले तो पिटाई करेगा,
हम तो मंदिर छोड़ करके आ गए, ये दोस्त होता है ना इसलिए तो मेरे को पीटेगा। इतने में वो देखते देखते जो न जो ठाकुर थे वो जो भक्त था है कहते श्री उनको हृदय में उन्होंने प्रवेश कर गए, उनका हृदय में प्रवेश, तभी से उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य नाम पड़ गया। इसलिए तब से ये ठाकुर जी को कोई टकटक लगा करके इसको दर्शन नहीं देते, क्यों पता नहीं इनको फिर नजर लगा करके इनको कोई ले नहीं जाए। इसलिए कहते श्री बांके बिहारी मंदिर में भी ऐसे ही है, ठाकुर को एक नजर से किसको दर्शन करने नहीं देते। इसलिए आज श्री बांके बिहारी जी का प्रकट दिवस है, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आज श्री सियावर रामचंद्र के आज क्या है इनका विवाह महोत्सव है। अभी आज किसी भक्तों घर में आज हम लोग गए थे, वहां पर भी ये कथा सुने, यहाँ पर और थोड़ा सुन लेते, इन अब घर में गए थे ना, इन घर में दोपहर में कीर्तन करने गए थे, इसलिए यहाँ पर और थोड़ा सुन लेते हैं। कि जब श्री भगवान राम लक्ष्मण जब श्री विश्वामित्र जी को साथ में पहुंचे जनकपुरी में, वहां पर तो उन्होंने एक उन्होंने यज्ञ को पूरी किया, राक्षस लोग जो उत्पात करते थे उनको ध्वंस करते हुए भगवान राम विश्वामित्र के यज्ञ को उन्होंने पूरी की। विश्वामित्र जी ने कहा राम और लक्ष्मण यहाँ पर तो एक यज्ञ को तुम लोगों ने पूरी की, लेकिन और भी एक यज्ञ मिथिलापुरी में हो रही है, वो यज्ञ को भी तुमको पूरी करना पड़ेगा। इसलिए राम लक्ष्मण को साथ में लेकर गए, बीच में उन्होंने अहल्या को भी उद्धार किया, और उद्धार करते हुए जब जनकपुर में पहुंचे कहते इन्हें बिलो कत अति अनुरागा परबस ब्रह्म सुखाय मन त्यागा। इसलिए जब श्री राम लक्ष्मण को दर्शन करते ही पहले जनक महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को निराकार निराकार मानते थे, लेकिन जब उन्हें राम लक्ष्मण को देख करके उनकी उनके चरण में इतना अनुराग हुआ कि अपने आप उनका हृदय से ब्रह्म सुख खत्म हो गया, मतलब वो समझ गए ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, ये परम ब्रह्म स्वयं श्री रामचंद्र है। इसलिए कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ जाए मम हित लागे नरेश पठाए। यहाँ पर कह रहे श्याम सुंदर श्याम गौर दोई भ्राता आनंद हो के आनंद दाता, कहते ये आनंद को भी आनंद देने वाले कौन है, श्री राम लक्ष्मण है। जब उन्होंने वहां पर पहुंचे राम लक्ष्मण को देख कर तो मुग्ध हो गए, हैं उनको देख कर मुग्ध हो गए, और उन्होंने समझ गए कि जो धनुष यज्ञ कर रहे हैं ये धनुष में यही प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, क्योंकि श्री जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की थी ये धनुष उठा करके इसमें जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी, उनकी ये प्रतिज्ञा थी। लेकिन उन्होंने पहले हमने वहां पर सुने थे ये कभी कभी दो कथा आती है, एक समय माता सीता गेंद खेल रहे थे बचपन में, गेंद खेलते खेलते ये गेंद कैसे जाकर के धनुष को नीचे जाकर कैसे फंस गया, फंस गया तो मैया जानक ने एक हाथ से धनुष उठा करके उसको नीचे उन्होंने गेंद को निकाल दिया। दशरथ महाराज बोले बाबा रे जिसको 400 व्यक्ति उठाकर ले जाते हैं मेरी बेटी एक हाथ से उठाकर गेंद को नीचे निकाल दिया, भैया लगता है मेरी बेटी कोई साधारण नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी देवी है, और लक्ष्मी को साथ में किसका शादी होगा, नारायण का शादी होगा, इसलिए धनुष को नारायण के सिवाय और कोई उठा नहीं सकते, जो उठा लेगा मैं समझ जाऊंगा ये श्री नारायण है। इसलिए अभी इसको उठाएगा कौन, लेकिन जब रामचंद्र को देख करके जब इन्होंने ब्रह्म सुख अपने आप मन से खत्म हो गया, समझ गई ये ब्रह्म नहीं ये परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं ये परम ब्रह्म है, यही धनुष को ही उठाएगा है। इतने में फिर उनका मन में बड़े बड़े शंका हो रही है, लेकिन हमारे भारत में क्या नियम है, अपना जात से बेटी को अपना जाति के अंदर में देते हैं, जो जो जाति होगा उसी जाति में अपना बेटी को शादी करते हैं। लेकिन अभी बात करते करते उनको पता चला कि जो राम और लक्ष्मण है ये क्षत्रिय है, किसका बेटा, कैसे दशरथ महाराज के बेटा है, मतलब ये क्षत्रिय जाति के, जब क्षत्रिय जाति को समझ गए फिर कहते बात बन सकती है, हैं वहां पर बता रहे थे जैसे किसकी बेटी शादी के लायक हो गई, जब शादी के लायक हो जाए जब किसी बेटे को देखता है उपयुक्त तो किसी बेटे को देखता है ना उसको मन में झट भावना क्या आता है, अगर ये बेटे को साथ में मेरे बेटी की शादी हो जाए, ये भावना सोचते ना हर समय, पिता माता यही सोचती हैं
इसलिए जनक महाराज सोच रहे थे हो सकता है इसको साथ में हमारी बेटी की शादी होगी, लेकिन अगर बगैर जाति के होगा तो कैसे होगा, पता लगा जब ये कौन से जाति के क्षत्रिय जाति के, बोले काम बन सकती है, काम बन सकती है। इसलिए फिर सोच रहे भैया शादी होगा कैसे, ये देखने में नन्हे मुन्ने बहुत छोटे कम उम्र के थे देखने में, भले इतने छोटे फिर हमारी बेटी को साथ में कैसे शादी होगी। फिर सोचते हैं भैया हमारे सुना ही ताड़का को भी मार दे डाले हैं, ये ताड़का को भी मार दे, हो सकता है, लेकिन छोटे होने पर भी लगता है काम बन सकती है। इतने में उनको ला करके उनके कहाँ पर उन्होंने उनका स्थान दिया, बोले श्री किशोर जी की जहाँ पर बाग थी उनका जो भवन थी वहीं पर सीता जी की भवन में स्थान दिया। तब यहाँ पर कहते क्यों सीता जी की भवन में क्यों स्थान दिया, बोले सीता जी कौन है, ये माँ लक्ष्मी, सीता जी कौन है, ये माँ लक्ष्मी। अभी ठाकुर का निवास कहाँ होता है, लक्ष्मी की भवन में तो निवास होती है ना, सबसे जो सुंदर स्थान पर कभी ये VIP, ये जो गेस्ट आए VIP उनको तो VIP जगह में जाना देना स्थान देना पड़ेगा, इसलिए VIP स्थान कहाँ था, बोले किशोर जी की भवन ही। और किशोर मतलब ये भक्त है, भक्ति, ये भगवान का निवास कहाँ होता है, कहाँ होता है भगवान का निवास, भक्ति की भवन में ही भगवान की निवास होता है, इसलिए भक्ति की भवन में प्रभु राम क्या कर चूजा बैठ, इसलिए उन्होंने भक्ति की भवन में ही श्री रामचंद्र को उन्होंने स्थान दिया। जब उन्होंने स्थान दिया अभी उनको स्थान देने पर अभी गुरुजी वहां पर विश्राम किए, गुरुजी जब जिस समय उन्होंने आए राम लक्ष्मण आए उसी समय में वहां पर मंत्रिमंडल सबके सब थे, उन लोगों ने दर्शन किया राम लक्ष्मण को, उन्होंने दर्शन करके इतने आश्चर्य, जनक महाराज इतने आश्चर्य हो गए थे उनका रूप देख करके, वहां पर मंत्रिमंडल भी ये चीज को देखा था, राजा स्वयं जिनके रूप देखकर मुक्त हो गए और मंत्रिमंडल भी दर्शन किया, पूरा उनका नगर नगर में बात एकदम फैल गई, दो बालक आए हैं इतने सुंदर, दो बालक आए हमने कभी देखा ही नहीं, इतने सुंदर बालक जिनका रूप देख करके स्वयं जनक महाराज भी विस्मित हो गए, बात एकदम फैल गई। अब ये बात फैल गई तो पूरा जनकपुरी के जितने सदस्य थे इनके मन में बड़े उत्कंठा है, ये दोनों बालक को कब दर्शन करेंगे, ये कब हमारे दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, ये सोच रहे हैं। इतने में अभी ये सोच रहे हैं हमने सुना ये दशरथ महाराज का बालक है, अगर दशरथ महाराज का राजा का अगर बालक होएंगे, भैया हम तो साधारण जनता है, फिर साधारण तो जनता के लिए कहां, जो राजा की बेटा हम कैसे दर्शन कर सकते, हमारे तो दर्शन हो ही नहीं सकते, जब हो ही नहीं सकते। इतने में लक्ष्मण भी उनको साथ में थे, बोले लक्ष्मण कौन है, ये गुरु है, ये आचार्य है, लक्ष्मण श्री आचार्य, ये गुरु श्री लक्ष्मण है, इसलिए कहते जीवाचार्य लक्ष्मण है, कहते जीवाचार्य जीव का आचार्य लक्ष्मण, क्योंकि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो तब तक भगवत प्राप्ति, और जीव का आचार्य गुरु रूप में लक्ष्मण है, इनकी कृपा से जीव को भगवत दर्शन होगा। अभी लक्ष्मण की इच्छा है, क्या इच्छा है, ये प्रभु को लेकर के, क्योंकि जनकपुरी ये माता सीता की पुरी, ये लक्ष्मी माँ की पुरी, यहाँ पर लक्ष्मी की सब भक्त लोग है, प्रभु के सब दास है, इनको मेरा कर्तव्य है प्रभु को लेकर के जीव का आचार्य इनका यहाँ तक भगवान को पहुंचाए, ये लक्ष्मण की भावना। अभी लक्ष्मण की भावना मतलब गुरु जी की इच्छा को तो भगवान भी पूरी करते हैं, अगर भक्तों का इच्छा जो भगवान पूरी करते हैं, इसलिए लक्ष्मण की इच्छा जान करके कहते नाथ लक्ष्मण पूरो देखन चाहि प्रभु संकोच डर प्रकट न कहे। यहाँ कह रहे भगवान राम लक्ष्मण की इच्छा जान करके किसको, विश्वामित्र को कहते हैं, मतलब नाथ लक्ष्मण पूरो देखन चाहि प्रभु संकोच डर प्रकट न कहे। कहते जाकर बोले राम जी श्री विश्वामित्र जी को, बोले गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा है ये पुरी को दर्शन करने के लिए, हैं पुरी दर्शन करने के लिए। अभी विश्वामित्र समझ गए पुरी, इसलिए कहते गुरु जी आपका अगर इच्छा हो ना ये लक्ष्मण को लेकर थोड़ा पुरी दर्शन करा दो। अभी ये बताओ जैसे आप अभी जो दिल्ली गया हुआ है वो लेकर के आपको दिल्ली घुमा सकता है ना, जैसे जो वृंदावन गया है, जैसे हमारे कौन से जनार्दन प्रभु वो वृंदावन गए, बोले भैया चलो वृंदावन गोवर्धन दर्शन कराते, अभी जो दर्शन किया होगा वही तो तुमको दर्शन कराने ले जाएगा,
इसका मतलब है विश्वामित्र जी समझ गए कि दर्शन करने नहीं जा रही, सबको दर्शन कराने के लिए ये जा रही। इतने में राम लक्ष्मण गुरु जी के आदेश को लेकर के कहाँ गए, जनकपुरी में गए। जब उन्होंने जनकपुरी में गए, जनकपुरी में जाते ही करहु सुफल सबके नयन न सुंदर बदना दिखाई। इसलिए उन्होंने अपना मुख कमल को दर्शन कराते हुए सबके जीवन को सार्थक किया। बोले देख न नगर भूप सुताई, देख न नगर भूप सुताई, समाचार पुर वासना पाए, धाम का धाम धाय धाम काम सब त्यागी, मनोहर अंक निधि लूट न लागे, देख न नगर गोप सुताई। जब श्री राम लक्ष्मण दर्शन करने के लिए आए, अभी पूरा पूरा के पूरा जनकपुरी वासियों को पता चले गया वो तो बालक आए हैं। जब ये बात बोले ताम धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग के लिए लुटने लगी, सबके सब काम धाम को छोड़ करके हैं। जैसे एक कोई धन का कोई रंग हो, मतलब कोई रंग को क्या बोलते हैं, प्यासा हो, वो जैसे धन को लुटता है उसी तरह सारे नगरवासी हैं दौड़ पड़े। तब यहाँ पर कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागी। अभी कह रहे इन्होंने सारे धाये काम धाम त्याग करके क्यों आए, कहते भैया जहाँ काम ता नहीं राम, अब जहाँ राम ता नहीं काम। अभी ये एक अर्थ है, जब तक भैया ये संसार की आसक्ति को नहीं छोड़ता है भगवत प्राप्त नहीं कर सकता है, हैं? फिर भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि माम सुचो। इसलिए हे अर्जुन तुम सारे ये जागत के धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जा, और उसका जो पाप लगेगा ना मैं तुमको सारे पाप को मैं ग्रहण करूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए सबके सब भागते भागते सबके सब आए, काम धाम छोड़ करके प्रभु को दर्शन किया। जब उन्होंने प्रभु का दर्शन किया, प्रभु को दर्शन करते हुए कहते हैं मत जुबती भवन झरो खन ही लागी, निरख ही राम रूप अनुराग। कहते उनको दो व्यक्ति दर्शन किए, कौन दर्शन किए, जिन लोगों ने काम धाम को छोड़ करके सारे संसार का कामना को छोड़ करके जो आए एक तब उनको प्रभु का दर्शन हुआ। अभी जो घर में बैठे थे उनको कैसे दर्शन होगा, पुरुष लोग तो हाँ पुरुष लोग तो घरवार छोड़ कर आए थे दर्शन के लिए, अभी माताओं को कैसे दर्शन होगा, हैं? माताओं को कैसे दर्शन होगा। उन लोगों ने अपना झरख से ठाकुर जी का झरख से और छत के ऊपर से दर्शन कर रहे थे। इसलिए यहाँ दो शिक्षा देते हैं, भगवान दो तरह से दो व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। बोले दो तरह से कैसे प्राप्त हो सकता है, कहते एक व्यक्ति तो अपना पुरुषार्थ विश्वास के ऊपर में भगवत प्राप्त कर सकता है। जैसे जो लोग घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके अपना पुरुषार्थ को साथ में हैं, पुरुषार्थ को साथ में जिन लोगों ने प्रभु के ऊपर में छोड़ करके सब विश्वास पूर्वक है उनको दर्शन मिल सकता है। दूसरा कैसे मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है प्रभु के ऊपर में विश्वास करते हुए शरणागत युक्त होकर के। एक व्यक्ति प्रभु को विश्वास है वो शरणागत होकर के है वो भी भगवत प्राप्त कर सके, दोनों ही प्राप्त कर सकते। इसलिए दोनों को ही ठाकुर का दर्शन हुआ। इसलिए जब प्रभु जी चल रहे थे, चलते समय इतने में जो और कुछ माताएं तो ऊपर खड़ी थी, कुछ सखियां जो झरख से दर्शन कर रहे थे उनको तो प्रभु का दर्शन हो रहा था, लेकिन जो व्यक्ति जो सब सखियां छत के ऊपर दर्शन कर रही थी ये तो कौन है, कहते भगवान राम तो मर्यादा पुरुष है, तो कभी सर उठा करके पर स्त्रियों को कभी दर्शन नहीं करते हैं, ये तो सर झुका करके चल रहे थे, लेकिन छत के ऊपर जो थे ना अभी प्रभु का दर्शन हो ही नहीं रहा था। इतने में उन लोगों ने थोड़ा खांसे तो सोचे
अगर खांसेंगे तो थोड़ा सकता प्रभु तो ऊपर देखेंगे प्रभु का दर्शन होगा, लेकिन प्रभु तो मर्यादा पुरुष होता है, वो कभी तो इधर उधर देखने नहीं, वो तो सीधा चल रहे, लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, लक्ष्मण तो जीवाचार थे, ये तो दयालु गुरुदेव बड़े दयालु है, इसलिए लक्ष्मण जी कहते बोले प्रभु आपका जो भक्त लोग ना छत के ऊपर से भी दर्शन कर रहे हैं, आप थोड़ा सर को ऊंचा खड़ा करो, थोड़ा सर को ऊपर करो, आपका भक्त दर्शन करे। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये मायापुरी है, सीता का बोली ना मायापुरी, खबरदार इधर उधर मत देखा करो, सीधा नीचे करके चलो है, नहीं तो कहीं माया में फंस जाओगे। लेकिन फिर दूर गए, फिर गोपी और सखी और थोड़ा खासे, लेकिन प्रभु तब भी नहीं देखे। लक्ष्मण फिर प्रार्थना की बोले प्रभु थोड़ी भक्तों को दर्शन करो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव आवेदने कृष्ण दयामय एह न पामर प्रति हवन सदय, मतलब है जो गुरु और वैष्णव जब हमारी होकर के ठाकुर जी को प्रार्थना करे, क्योंकि ठाकुर तो हमारी प्रार्थना सुनेंगे नहीं, संतों का प्रार्थना ठाकुर जी सुनेंगे, जब वो हमारी होकर के प्रार्थना करे ठाकुर जी दया करके फिर उनको दर्शन देते हैं। इतने में भगवान राम जब सर ऊंचा किया ना, जब प्रभु का रूप दर्शन किए, सब सखियां वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी, सब इतने सुंदर ठाकुर जी थे। और जो होश आया ना, सब राम के पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमसे शादी कर, ब्याह कर लो। राम बोले लक्ष्मण तेरे को पहले मना कर रहा था ना, तुम मेरे को मत कहा कर, देखो ये सबको सब पीछे पड़ गए, तू शादी कर। इतने में भगवान राम बोले देखो रामावतार में सीता के सिवाय तुम्हें किसको ग्रहण नहीं कर सकता, तुम लोग सबके सब द्वापर युग में आओ, तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन और एक भाव बता रहे हैं, जिस समय ये सब सखियां दर्शन कर रही थी ना, सखियां दर्शन करके राम का रूप, श्याम गौर दो रूप है, एक श्याम रंग के और भी गौर रूप, गौर लक्ष्मण श्याम राम है। लेकिन जब दोनों चल रहे थे उसी समय में सखियां सबके सब सोच रहे थे, अरे वाह कितने सुंदर जोड़ी है। जगत में नियम होता है जो काले से गोरे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, लेकिन जो काला है ना गोरे को भी मात करने वाला काला था, हाँ इतने प्रभु सुंदर राम थे। इसलिए इनको देख करके सखिया आपस आपस में चर्चा कर रहे हैं, कहते श्री जनक महाराज ने जो प्रतिज्ञा किया ना, लगता है अगर इनको एक बार देख लेना सारे प्रतिज्ञा को तोड़ करके इसको साथ में माता जानकी को शादी करा देंगे हैं, क्योंकि अगर सीता जैसे सुंदरी अगर उनको जोड़ी है ना यही श्याम रंग की। फिर दूसरे सखी कहते हैं भले मैंने सुना जनक महाराज ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो प्रतिज्ञा तोड़ नहीं रहे। उनका प्रतिज्ञा किया धनुष को उठा करके जो प्रत्यंता चढ़ा देगा है उसको साथ में शादी होगी, लेकिन ऑलरेडी वो देख चुके हैं लेकिन अभी भी प्रतिज्ञा को उन्होंने नहीं तोड़ा, अभी अड़े हुए हैं। फिर दूसरे सखी दूसरी भाव कहती है बोले देखो ये सीता को जिसने बनाया कितने विधि ने बनाया, ब्रह्मा ने सीता ने बनाया, जो स्त्री को इतना सुंदर बनाती है उसको जोड़ी भी तो बनाया होगा, इसलिए उसका जोड़ी कौन राम है, विधि ने बनाया, इसलिए ये सीता के लिए ही राम बनाए, इसलिए शादियों का तो इनकी होगा। फिर और कोई एक बोल रही भावना दे रही बोले देखो और धनुष तो इतना बड़ा है, फिर उनका प्रतिज्ञा इसका तो उठा कर प्रत्यंचा चढ़ेगा उसको साथ में शादी होगी, इतना छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये धनुष को उठाए कैसे। दूसरा कहता है तुमने सुनी नहीं इन्होंने ताराटा को भी मार डाले और बाहु सुबाहु और मारिच को भी मारे, बड़े बड़े राक्षसों को उसने मारे हैं, इसलिए इसमें कोई इसमें शंका की बात नहीं, ये धनुष को उठा पाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे सब बात कर रहे थे, बात करते करते ऐसे ही उन्होंने वापस आए, जब उन्होंने वापस आए वापस आ करके जब रात को उन्होंने विश्राम किया है सबको दर्शन विश्राम किया, जब विश्राम किया बोले चापत चरण लखन उर लाई सभय सब प्रेम परम सचुपाय। इसलिए जब श्री गुरु जी विश्वामित्र जब शयन कर रहे थे उसी समय में राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु जी की चरण की सेवन कर रहे थे, बोले सेवन करते समय यहाँ पर कहते हैं लखन कहते चापत चरण लखन उरलाई सभय सप्रेम परम सचुपाई, सभय और सप्रेम है को द्वारा चरण सेवा कर रहे हैं। बोले क्यों अभी सोच रहे हैं अभी पता नहीं एक जिससे कि नया व्यक्ति का चरण दबाव ना पता नहीं वो ज्यादा चपा उनका चरण सेवा करनी चाहिए ना कम से करनी चाहिए, गुरु जी का चरण इतना कोमल है इतने कोमल गुरु जी की चरण है। इसलिए हमारे जो भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज थे जब मैं पहले पहले आया ना
पहले डर लगता है, आप गुरु जी की बहुत सेवा की, पूरा गुरु जी के शरीर में पूरा तेल लगाना, पूरा पूरा गुरु जी पूरा शरीर में पूरा मैं तेल लगाया करता था, आधा घंटा एक घंटा तक तेल लगाता था गुरु जी को। इसलिए जो पहले बेल आया, लेकिन गुरुदेव तो पहले पुलिस में थे, हैं पुलिस में थे, इसलिए थोड़ी सी जोर से करनी चाहिए। मैंने पहले पहले जब आया एकदम धीरे 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 डर लग रहा था ना, पता नहीं लग नहीं जाए गुरु जी के चरण में लग नहीं जाए। फिर गुरु जी ने कहा अरे तेल ठीक से तो लगाया करो, हैं ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, थोड़ी जोर से लगाया करो। फिर मेरे को पता चल गया ना गुरु जी को इतना जोर से गुरु जी के शरीर में तेल लगानी चाहिए, इसलिए पूरा अगर कोई और अगर कोई तेल लगाएगा ना, जब तक मैं नहीं आऊंगा बोले रसानंद कहाँ गया उसको बुला, ये तेल लगाता है नियम है, तेल लगा करके शरीर में तेल को सुखा देनी चाहिए, ऐसे में तेल लगा दिया तेल तेल, इसलिए मैं अच्छे तरह से लगाया करता था गुरु जी को। इसलिए अगर मेरे से पहले कोई तेल लगाया बोले रसानंद को बुला तुम लोग तेल लगाना नहीं आता, बोले उसको बोलो इसको अच्छे तरह से इसको शरीर में इसको अच्छे तरह से जमा दे मजा दे इसको तेल को। इसलिए यहाँ पर श्री लक्ष्मण और राम जब चरण दबा रहे पता नहीं जोर से लगाए गुरु जी को दर्द नहीं होगा था, अगर कम से अगर अगर धीरे लगाएगी पर गुरु जी का सेवा ही नहीं होगा गुरु जी को, इसलिए बोले संकुच संकोच पूर्वक क्या कर रहे थे गुरु जी की चरण को दबा रहे थे। करते करते उन्होंने श्री लक्ष्मण को बोले तुम चले जाओ। कभी कभी भगवान राम क्या करते थे, उन्होंने कभी कभी गुरु जी के चरणों को अपना हृदय में रख करके वहीं पर सेवा करते 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 कभी वहीं पर सो जाते थे। कभी कभी हम लोग भी कभी गुरु जी की चरण की सेवा करते करते कभी सो जाते थे। इसलिए अभी जब सो गए रात को कहते हैं उठे लखन निशी विगत सुनी अरुण सीखा सुनी सुनी सुनी। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जैसे मुर्गा होता है ना, देखना सवेरे से पहले मुर्गा पहले कू 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 बोलता है ना, इसलिए सवेरे सवेरे पहले मुर्गा होता था उससे पता चल जाता सवेरे हो गया सवेरे हो गया है। इसलिए कहते हैं कि ये मुर्गा की आवाज़ सुन करके इसलिए पहले कौन उठ जाते थे राम और लक्ष्मण उठ जाते थे। बोले गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान, इसलिए गुरु से पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। कहते जगत पति भगवान राम है लेकिन गुरु जी उठने से पहले प्रभु राम उठ जाते थे, राम उठ जाते थे। इसलिए राम उठ यहाँ शिक्षा क्या शिक्षा देते हैं हाँ, इसलिए शास्त्र बताए शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु जी की सेवा करके गुरु जी को सुलाने का बाद ही सोए और काम तो करते हैं हाँ सोए उसको बाद में उठे का गुरु जी उठने से पहले हैं। इसलिए इस सप्तम स्कंद में आया है गुरु जी से उठने से पहले उनके लिए दांतुन, पहले तो दांतुन होता था ना जी जी लोटे में पानी दांतुन, गुरु जी उठने से पहले दांतुन और लोटे में पानी रख करके गुरु जी उठने से पहले जैसे हम स्वयं उठ जाए, नहीं तो जैसे कुंभकर्ण जैसे सोते रहे हाँ। गुरु जी उठ करके बुला रहे गुरु जी आ करके उठो आरती का समय हो गया उठो आरती का समय हो गया उठो आरती का समय हो गया। कहते नहीं ये धर्म नहीं, इसलिए कहते हैं गुरु ते पहले ही जगतपति, ये कौन है जगतपति जगन्नाथ है लेकिन वो क्या कर रहे हैं गुरु से पहले उठ जाते हैं, उठ करके गुरु जी की सेवा के लिए सब कुछ उन्होंने तैयार करके गुरु जी की सब कुछ तैयार करके रख लेती है, शिष्य का कर्तव्य है शिष्य का। इसलिए सप्तम स्कंध का लास्ट में ये सब चीज को वर्णना किया, रोज शिष्यों को भिक्षा के लिए रोज जानी चाहिए बात, उतना भिक्षा करे अपना लिए और गुरु जी के लिए जैसे होगा, गुरु जी के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़े, गुरु जी के ऊपर कभी बोझ है, गुरुदेव कभी हमारी चिंता नहीं करे हम क्या खाएंगे, शिष्य का कर्तव्य है गुरु जी के लिए सब कुछ व्यवस्था गुरु जी के लिए करे, ये शिष्यों का ये कर्तव्य है। इसलिए भगवान स्वयं पहले उठ करके गुरु जी जगने से पहले स्वयं उठ जाते हैं। इसलिए अभी उठ करके अभी गुरु जी स्नान फान करके अभी ठाकुर का सेवा पूजा करेंगे, इसलिए राम लक्ष्मण का आदेश दिया जाओ पुष्प चयन करके लाओ मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ। इतने में राम लक्ष्मण पुष्प चयन करने के लिए जाते हैं, जब पुष्प चयन करने के लिए जाए अभी वाटिका में जाएंगे पुष्प चयन करने के लिए, लेकिन वहां पर माली है, वहां पर माली खड़ा हुआ है, अभी माली को बोले हम अंदर में पुष्प चयन करने के लिए जाना चाहते हैं, बोले नहीं जा सकते, बोले क्यों, बोले हम स्वयं पुष्प तोड़ करके चयन करके तुमको दे देंगे, बोले ऐसे क्यों,
भले हमने क्या सुना है, आप दोनों आते समय एक पत्थर के ऊपर प्यार रखा तो वो पत्थर क्या नारी होकर के उनकर चली गई। हमने ये बात को सुनिए, अगर आप बगीचा में जाओगे, अगर बगीचा में जाओगे तो अगर किसी पेड़ को अगर छुओगे, अगर वो नारी बनकर अगर उठ चलेगा तो फिर क्या होगा, हमारे बगीचा का क्या रहेगा। इसलिए हमने ये बात को सुनी है, इसलिए भैया हम तो अंदर जाने नहीं देंगे, हैं अंदर में जाने नहीं देंगे हम लोग। फिर वो कहता है क्या देखो, इसलिए कहते राम के से बोले ना बखन जन लोचन खन जमुख कर कन जपद खन जन काल। इसलिए भगवान का जैसे मैया कुंती कहती है ना, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज। भगवान का सारा शरीर कमल कमल पुष्प जैसे हैं, इसलिए रामचंद्र के लिए इसलिए कंकज जन लोचन खन जमुख, इसलिए भगवान का मुख कमल भी कमल जैसे। इसलिए अगर आप कमल जैसे मुख आपकी अगर जाएंगे तो सारे अगर भूरा इकट्ठे हो गए तो फिर तो काटने लग जाएंगे। पर लक्ष्मण बोले आपकी इतना चिंता करने का जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी स्प्रे लेके जाएंगे, हम स्प्रे कर देंगे। इसलिए आपको इतना चिंतन करने की जरूरत नहीं, हम स्प्रे कर देंगे। इसलिए हम जाने, इसलिए कहते भैया नहीं भैया हम जाने नहीं देंगे। इतने में कहते हाँ जाने देंगे, ठीक है जाने देंगे, एक काम कर सकते हो। बोले हमारे श्री किशोर जी के एक बार जय दे दो, हमारे श्री किशोर जी की श्री सीता जी के एक बार जय दो। लक्ष्मण कहते क्यों, आप तो सीता जी को कहीं जय देंगे, हम तो जय देंगे तो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हम जय देंगे तो अपना प्रभु राम की जय देंगे। इसलिए हम किशोर की जय, हम तो राम की जय देंगे। इतने में राम कह रहे हैं भैया जय दे दो ना, क्या हो गया, हम इतना अंदर तो पहले जाने ही दे ही नहीं रहे थे, अरे बड़े कठिनी से जाने दे रहे, अगर किशोर को जय दिया तो क्या हो गया, उसमें दे दो एक बार जय दे दो। इसलिए बोले श्री श्री सीता देवी की जय। जब जय दिए इतने में श्री माली जो था वो कह रहे बोले प्रभु जगत में ऐसे कौन व्यक्ति होगा जो कि आपको अंदर में जाने नहीं दे, हम तो हंसी भुलाई कर रहे थे, इसलिए आप कृपा करके आप अंदर में चले जाओ। जब चले जाओ प्रभु अंदर में गए, जब गए पुष्प चयन कर रहे थे, जब पुष्प चयन कर रहे थे वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं इनको हाथ में समर्पित हो रहे थे। बोले क्यों, एक भाव देते हैं कहते मैया सीता की कहाँ सृष्टि हुई, सीता की पृथ्वी से, इसलिए पृथ्वी कौन लगती है, भगवान की माँ, भगवान की सांस। राम के साथ में शादी होगी सीता जी की, सीता जी की जन्म हुई पृथ्वी से, इसलिए राम का क्या लगते है सांस। और जो पेड़ है, पेड़ कौन, उनका पुत्र, पृथ्वी का पुत्र पेड़, तो भगवान राम का संबंध क्या है, साला। अगर घर में कोई दामाद आए साला कभी कहेगा तुम यहाँ काम करो, साला कभी बोल सकता है काम करो, कभी साला नहीं बोल सकता है काम करो। इसलिए पेड़ से वो साले हैं, जो साले हैं अभी दामाद आए हैं, प्रभु आए, इसलिए क्या कर रहे थे, जितने साले साहब है ना प्रभु राम साहब है सबके पुष्प समर्पित कर रहे थे। मतलब जो जो भक्त लोग कैसे अलग अलग भाव को कैसे अभिव्यक्ति यहाँ पर करते हैं, अलग अलग भाव को अभिव्यक्ति करते हैं, वो अपने आप पुष्प समर्पित कर रहे थे। जब समर्पित कर रहे थे लेकिन खिले हुए फूल को समर्पित वहां प्रभु चयन कर रहे थे, लेकिन जो अधखिले जो कली थी ना ये सबके सब रो रहे थे। लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, बोले भैया क्यों रो रहे, बोले रोएंगे क्या हंसेंगे, आज आज अगर हम खिले हुए होते तो क्या होता, प्रभु की सेवा में लगते। बोले मैं हूं ना, चिंता मत करो, उन्हें अधखिले कलिया को थोड़े बड़े सुंदर गुच्छा बनाए, प्रभु राम के सर पर सुंदर श्रृंगार कर दिया। यहाँ कहते देखो जो खिले हुए फूल तो प्रभु के हाथों में, लेकिन अधखिले कली कहाँ पर, प्रभु की सर में। मतलब यहाँ शिक्षा देते हैं लक्ष्मण को नहीं है गुरु जी, अगर गुरु जी की शरण में अगर हम शरणागत हो जाए, भले ही हम अधखिले क्यों नहीं हो, मतलब हमारे अंदर भले ही कोई गुण नहीं क्यों नहीं हो, लेकिन अब गुरु जी की शरण में अगर चले गए तो ना गुरु जी हमें ठाकुर जी को सेवा में लगा देंगे। इसलिए ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को वो ब्रह्मा बना सकते हैं प्रभु जी। फिर उसी समय में क्या हुआ, वो जो बगीचा था ना, कहे एक भी वहां पर सूखा पत्ता भी नहीं मिलेगा, सूखा पेड़ भी नहीं। बोले क्यों, जो किशोर जी का बाग हो, श्री किशोर जी की बाग हो, जहाँ साक्षात भक्ति देवी है, जो भक्ति देवी का शरण ले उसका मन कभी सूख नहीं सकता, हर समय मालूम उसकी खिला हुआ रहेगा, क्योंकि श्री सीता जी की बाग, ये सीता जी की बाग है। इतने में अभी इतने में माँ सीता जी को भी आई थी, कहाँ पर, वो भी गौरी पूजा करने के लिए वो भी आई थी। जब आई थी उसमें कोई एक सखी थी, वो सखी ने किया कि
वो थोड़ा सा उनसे अलग होकर के थोड़ी सी आई, आ करके उन्होंने जब सीता, जब उन्हें राम लक्ष्मण को उन्होंने दर्शन किया, वो राम लक्ष्मण को दर्शन करते ही ना वो तो बाबरी जैसे बन गई और उसने भागते भागते गई, प्रभु राम और लक्ष्मण का रूप देख करके वो भागते भागते गई और भागते भागते जा करके कर देखन बा कुबर दुई आए, बायकिश्वर सब भात सुहाए, श्याम गौर किमी किमी कहूं बाखानी, गिरा आ नयन नयन बिनो बानी। इसलिए उन्होंने प्रभु राम लक्ष्मण को देख करके ऐसे उन्होंने बाबरी बन गई। उसने जा करके सीता जी को बोले, क्या सुंदर तो बालकों को देखा, इतने सुंदर बालक हैं, अगर नयन देखे है ना, लेकिन नयन में तो बाणी है नहीं जो नयन बखा न सकता है, लेकिन बाणी में नयन भी नहीं है जो इसको बोल सकते हैं, इतने सुंदर दो बालक है। फिर तो उन्होंने श्री यहाँ पर शिक्षा देते हैं। फिर सीता जी को लेकर के आए, वो आगे आगे कौन आए, वो सखी, और पीछे पीछे कौन आ रहे हैं, सीता। ये क्या यहाँ शिक्षा क्या देते हैं, ये शिक्षा देते हैं भैया सबको पीछे नहीं चलनी चाहिए, सबको पीछे अंधा चाल सबको पीछे नहीं होनी चाहिए, कि ऐसे व्यक्ति को पीछे चलो जो लेकर के हम भगवान का दर्शन करा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को पीछे पीछे चलेंगे तो हमारी कल्याण होगा। अगर अंधे व्यक्ति को अगर पीछे चलोगे वो भी कुआं में गिरेगा, तुम भी कुएं में गिरोगे, इसलिए भैया जो ठाकुर का दर्शन करा सकते हैं उनको पीछे पीछे चलनी चाहिए। फिर सीता राम की वहां पर मिलन हुई, अद्भुत मिलन हुई, जिसको देख करके दोनों को पहचान गए, ये मेरे प्रिया ये मेरे प्रियतम, दोनों को पहचान गए। फिर माता जा करके सीता माता दी गौरी की जाकर पूजा करती है, सुंदर वंदना करती है, बड़ी सुंदर तो प्रसंग बहुत लंबा प्रसंग है। फिर कैसे उन्होंने गौरी को प्रार्थना करती है, कहते हे गौर देवी अगर मेरे ऊपर में आप प्रसन्न हो तो क्या करो, दशरथ जैसे ससुर मिले, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे हमें देवर मिले, और कौशला जैसे हमें सास मिले। जब उन्होंने ये बोल करके माता के चरण में प्रणाम की, इतने माता जी गले से अपनी आप माला टूट करके सीता जी की ऊपर में पड़ा, मतलब ये आशीर्वाद है, ये समझ गई मैया मेरी प्रार्थना को सुन ली। फिर तो दूसरे दिन जब जाते हैं जहाँ पर धनुष भंग होगा, वहां पर कैसे सारा दुनिया के राजा लोग आए हुए थे, और दशरथ जनक महाराज ने प्रतिज्ञा सुनाई कि मेरी ये प्रतिज्ञा जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको साथ में शादी होगी, लेकिन कोई भी नहीं कर पा रहे थे। कितने में उनको पता है अगर कर पाएगा तो यही राम कर सकता है और कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये राम उठेगा कैसे, पहले डंडा, डंडा के ऊपर झंडा, डंडा कौन लक्ष्मण, झंडा कौन करते राम, पहले लक्ष्मण उठेगा फिर तो राम उठेंगे। इतने में उन्होंने थोड़ी सी टेढ़ी बाणी बोल दी, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है, जिस इतने बड़े बड़े राजा लोग को टस मस भी नहीं कर सकता है, मेरी बेटी एक हाथ से उठा देती। इतने में लक्ष्मण को इतना क्रोध आया, बोले महाराज चुप बैठो, इतने बड़ी बात, पृथ्वी वीर शून्य हो गया, अब पता नहीं यहाँ कौन बैठे हुए, मेरे प्रभु बैठे हुए, हम तो बचपन में इसे कितने धनुष को सड़े गले जैसे धनुष को खेलते रहे, कितने तोड़ फोड़ किए, ये धनुष की क्या बात, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को गेंद के भांति में उठा करके कितने क्रोश तक मैं चल सकता हूँ, कच्चा घड़ा भांति चकनाचूर कर सकता हूँ। इतने में क्योंकि लक्ष्मण ये शेष नाग लक्ष्मण है, इनके सर के ऊपर जो मणि है, मणि सदृश श्री राम है, अगर राम को कोई छेड़ेगा तो लक्ष्मण छोड़ने वाले नहीं। इतने में श्री गुरु जी आदेश दिए, राम जाओ धनुष उठा कर इनके हृदय की ताप दूर करो। और भगवान राम जब जा रहे थे, माता सीता सामने वरमाला लग रही खड़ी हुई, अभी वो सोच रहे राम क्या धनुष तो उठा पाएंगे, क्यों इतना कोमल अंग है, सवेरे जब उस पर चयन कर रहे थे तभी भी इनके शरीर से पसीना की बूंद झड़ रहा था, क्या उठा सकते हैं। इतने में वो तो प्राण त्याग करने जा रहे थे, राम उसकी हृदय की भावना समझ करके बड़े जल्दी जल्दी गए और देखते देखते धनुष कब उठाया, प्रत्यता कब चढ़ाए, कब दो टुकड़ा हो गया किसको पता ही नहीं चला। जनक महाराज प्रसन्न होकर के श्री सीता जी को बुलाए, सीता जी बरमाला लेकर के जब प्रभु राम के गले में देने जा रही थी, राम तो लंबे सर पे मुकुट, सीता तो कंधे तक थी, हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। इतने में इनकी जो सखियां थी ना राम की कान में जाकर बोली, थोड़ी सी सर झुका दो, बोले क्या अभी शादी भी नहीं हुई, हम सर झुका दे, हम दशरथ महाराज का बेटा है, हम किसको चरण में सर कभी झुकाए नहीं। इतने में सीता माता ऐसे लेकर खड़ी हुई, इतने में लक्ष्मण को कान में राम कहते, बोले देख तेरे भाभी
माला लेकर खड़ी हुई, मैं तो सर झुका झुका ही नहीं सकते, बोल दिया ना झुका हुआ नहीं, तू कर मैं क्या, लक्ष्मण बोले मैं क्या कर सकता हूँ, पृथ्वी तो दो टुकड़े नहीं होते एक ही है, अगर उठाऊंगा तो पृथ्वी स्वर्ग लक्ष्मण है, उठाऊंगा तो दोनों हो जाओगे, नीचे करूंगा, बोले तू तो कुछ कर। इतने में प्रभु की राम की भावना समझ करके इनकी जो सखियां थी ना, बोले लक्ष्मण अगर हमारी एक काम करोगे ना तेरे भी एक काम कर देंगे। बोले क्या है, बोले जैसे ये सीता सुंदरी ना इसकी छोटी बहन उर्मिला ये भी ऐसे सुंदरी है, उसको साथ तेरा भी ब्याह करा देंगे। लक्ष्मण बोले भैया ब्याह का काम को तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनकी भावना को समझते हुए जब राम के चरण में प्रणाम करने के लिए गए, राम को उठाना पड़ेगा, बोले तू क्या कर रहे हो, जब उठाने के लिए गए सर नीचा हो गया, इतने माता सीता जी ने गले में बरमाला डाल दी। बोले फिर तो ये दोनों को बड़े धूमधाम से बड़ी शादी हुई, इसलिए भगवान राम का शादी का दिवस है, बहुत अच्छा दिन है ये। प्रभु जी एक भजन गा लो और हम लोग चले जाएंगे आरती ना, यहाँ पर तुम लोग कोई आरती करते ना हम चल जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, ये लोग आरती करते रहे, हम जितना उधर जल्दी जाएंगे ना उतना जल्दी आएंगे यहाँ पर। हाँ हरे कृष्णा, इसको ये हमारे जनार्दन प्रभु यहाँ रख रहे हैं, आरती करके अब आएंगे, जल्दी जल्दी आरती करके और हम लोग कीर्तन करने के चले जाएंगे। सब माइक करताल सब जाओ व्यवस्था करके ले आओ, हम चले जाएंगे अब आरती करके आ जाएंगे। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी थी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी, उधर कर दिया Oh,
Bye.
सब की जय। आरती गाओ, हाँ आरती गाओ ना, नहीं गाओ।